हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि क्लासेस स्टार्ट हैं, पहला अध्याय लगभग कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग दूसरे अध्याय के बारे में जानेंगे और समझेंगे, और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम लोग पहले जान लेते हैं कि अध्याय दो जो हमारा है वो क्या है। यानी अध्याय दो हमारा है पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले जब लेसन हमारा स्टार्ट हो रहा है पूर्ण संख्याओं से, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है बच्चों, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, ध्यान दीजिए। इसी को कहते हैं इंग्लिश में क्या, होल नंबर। बच्चों कौन सा नंबर, होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, अब होल नंबर होता क्या है बच्चों, प्राकृतिक संख्या के परिवार में। बच्चों प्राकृतिक संख्या के परिवार में जीरो को मिला लिया जाता है तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या बच्चों, पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राकृतिक हम लिख रहे हैं बच्चों, प्राकृतिक संख्या के परिवार में, प्राकृतिक संख्या के परिवार में, परिवार में जीरो या शून्य, यही तो है, शून्य को मिला लिया जाता है बच्चों, मिला लिया जाता है, मिला लिया जाता है, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं बच्चों। कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या कहलाती है। देखिए जो इसका लेटर है वो W से शुरू हो रहा है होल नंबर। ठीक है, तो अगर जहाँ W लिखा हुआ है संख्या में और पूछे आपसे कि जो है होल नंबर को हम लोग W से लिखते हैं, तो W जहाँ पर लिखा हुआ सेट ऑफ W 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 कैसे ऐसे इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है बच्चों, यानी यही क्रम चलता रहता है। यानी जहाँ W लिखा हुआ आप यह पहचान सकते हैं कि यह कौन सी संख्या लिखी हुई है या पूर्ण संख्या लिखी हुई है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं क्या, अब देखिए ध्यान से, प्राकृतिक संख्या यही तो है, देखिए यही तो बच्चों है, प्राकृतिक संख्या यही तो है, ध्यान से देखिए। इसी को हम लोग यन लिखते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग यन से लिखते हैं, तो इसी के परिवार में जीरो को मिलाया गया है तभी तो पूर्ण होल संख्या, पूर्ण संख्या कहलाई है, तभी तो होल नंबर कहलाए बच्चों। ध्यान से देखिए, क्या यहाँ तक बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं, आधारभूत संक्रियाएं हम लोग देख लेते हैं। कौन सी, आधारभूत संक्रियाएं, आधारभूत संक्रियाएं। कौन सी संक्रियाएं बच्चों, आधारभूत संक्रियाएं। आधारभूत संक्रियाएं क्या होती हैं, अब देखिए, जैसे पूर्ण संख्याओं, पूर्ण संख्याओं पर आधारित, ठीक है, निम्नलिखित चार आधारभूत संक्रियाएं होती हैं। कितनी, चार आधारभूत संक्रियाएं होती हैं। तो चार आधारभूत संक्रियाएं जो होती हैं वो गुणा और जोड़ में, बच्चों गुणा और जोड़ में पूर्णतया संतुष्ट करती हैं, यानी पूर्णतया उसको संतुलित करती हैं, स्पष्ट करती हैं बच्चों, और घटाव और भाग का, बच्चों घटाव और भाग का पूर्णतया संतुलित नहीं करती हैं, जैसे प्लस और गुणा का, ये तो संतुलित करेंगी बच्चों इस चिन्ह का। ठीक है, लेकिन माइनस और भाग का ये संक्रियाएं संतुलित नहीं करती हैं, ध्यान देना इस पर, क्योंकि जो संक्रियाएं हम लोग पढ़ेंगे बच्चों वो यही पढ़ेंगे, प्लस का और गुणा का। ठीक है, प्लस का और गुणा का हम लोग पढ़ेंगे, प्लस का और गुणा का हम लोग पढ़ेंगे, घटाव और भाग का हम लोग नहीं पढ़ेंगे बच्चों, घटाव और भाग का हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो संक्रियाएं हैं चार, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो चार संक्रियाएं हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पहला है हमारा संवरक नियम। ठीक है, संवरक नियम, चार नियम है, चार नियम में आपको पता चल ही गया है गुणा और जोड़, इनमें नियम फॉलो करते हैं, माइनस का और भाग का, ठीक है, इसमें नियम फॉलो नहीं करते हैं। तो हम पहला लिख रहे हैं क्या, संवरक परगुण, पहला यही पढ़ेंगे बच्चों, संवरक, संवरक नियम। संवरक नियम क्या है बच्चों, आपसे पूछेगा क्या यह संवरक नियम है, क्या यह संवरक नियम है, तो आपको बताना रहेगा।
ठीक है बच्चों, आपको बताना रहेगा क्या है कि नहीं है। तो इसका नियम यही है, जैसे देखिए 5 + 3 हुआ कितना 8, ठीक है 8। ये है जोड़ के लिए बच्चों, ये है जोड़ के लिए, और गुणा के लिए क्या है बच्चों, गुणा के लिए है देखिए 5 × 3 ठीक है 15, ठीक है बच्चों ये गुणा के लिए है। इतनी बात समझ में आई, जोड़ के लिए ये है, गुणा के लिए ये है। अब हम दूसरा पढ़ते हैं क्रम विनिमय नियम। दूसरा बच्चों हम पढ़ते हैं क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम बच्चों। दूसरा हम पढ़ते हैं क्रम विनिमय नियम। जो क्रम विनिमय नियम हमारा है, यानी शब्द से ही पता चल जा रहा है कि उसका क्रम बदल देने पर भी जो है आंसर आपका सेम यानी बराबर रहता है। क्रम बदल देने से ही कोई उसमें चेंज नहीं होता है। जैसे हम लोग लिख रहे हैं 5 × 5 + 3 बच्चों, 5 + 3 8 हुआ, और 3 + 5 कितना होगा बच्चों 8 ही तो होगा। देखिए क्रम बदल देने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। अच्छा बच्चों अब हम गुणा के लिए बात करते हैं, तो गुणा के लिए हो जाएगा जैसे 5 × 3 ठीक है, या 3 × 5 देखिए है कि नहीं है। क्रम बदल देने से कोई आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, क्रम विनिमय नियम, इसी को हम लोग कहते हैं क्रम विनिमय नियम। अब है तीसरा हमारा है सहचर नियम, ठीक है बच्चों सहचर नियम, इसको ध्यान से समझिए। जैसे लिखा हुआ 2 + 3 + 5 ये दोनों ब्रैकेट में है, 3 और 5 ये दोनों ब्रैकेट में है बराबर, 2 + 3 ये दोनों ब्रैकेट में है + 5 ये है, ठीक है। अब देखिए इसका 3 और 5 8, 8 × 2 = 10 ठीक है, 10 इधर का हो गया, 2 और 3 = 5 और 5 + 10 इधर का हो गया, यानी दोनों साइड आपका बराबर है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ आंसर में। ये तो जोड़ के लिए था, अब हम लोग बात करते हैं गुणा के लिए। तो गुणा के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझिए 2 × 3 × 5 ठीक है, ये तो है, ये दोनों ब्रैकेट में है, और इधर लिखा हुआ 2 × 3 ये ब्रैकेट में है, 5 ये है। देखिए 3 × 5 = 15 × 2 = 30 2 × 3 = 6 × 5 = 30 यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ आंसर में, भले ही ब्रैकेट लगाया हो इसमें या इसमें आगे पीछे, लेकिन परिवर्तन कुछ हो नहीं रहा है बच्चों, परिवर्तन नहीं हो रहा है, परिवर्तन आपका नहीं हो रहा है आंसर में, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो हम अब चौथा जो हमारा है बच्चों वो है बंटन, ठीक है बंटन, ठीक है बंटन नियम। ये कौन सा नियम है बच्चों, ये नियम आपका है जैसे लिखा हुआ 2 + 2 × देखिए ध्यान से 3 + 5 या इसी को हम लोग लिख देते हैं 2 × 3 + 2 × 5 यानी ये दोनों चोर हैं, ब्रेकर में लगे हैं अंदर, ठीक है, और ये पुलिस वाला है, तो ये जाएगा तो इसको भी गिरफ्तार करेगा, इसको भी गिरफ्तार करेगा, देखिए गिरफ्तार कर रहा है ये, देखिए यही है आपका बंटन पड़गुड़, ठीक है बच्चों बंटन पड़गुड़ यही है। तो चलिए मैं आशा करता हूँ ये यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं विभक्त के नियम बच्चों, किसके अब बच्चों हम लोग बात करते हैं विभक्त के नियम, ठीक है विभक्त के नियम। विभक्त के नियम क्या है बच्चों, देखिए जरा ध्यान से, पहला है दो से विभक्त, यानी दो से कौन सी संख्या विभक्त होगी ये देखेंगे, दो से विभक्त, विभक्त के नियम, दो से विभक्त के नियम हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो दो से विभक्त के नियम यही है बच्चों कि इकाई अंक आपका जो होना चाहिए वो कोई सम संख्या होनी चाहिए, क्योंकि जब हम लोग सम संख्या पढ़े हैं पीछे तो हमने यह देखा है कि सम संख्याएं वो होती हैं जो दो से पूर्णतया विभक्त हो जाती हैं। तो यानी जो इकाई अंक आपका 2, 4, 6, 8 ये आ जाए, यानी कोई सम संख्या आ जाए तो वो दो से विभक्त होगी, ध्यान दीजिए इस पर। इकाई अंक बच्चों क्या होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए, कौन सी संख्या सम संख्या, ठीक है, जैसे 0, 2,
चार छः आठ। यदि आपको ऐसा दिखाई दे तो वह संख्या दो से विभक्त होगी। कोई भी संख्या में अगर इकाई अंक सम संख्या है तो वह दो से विभक्त होगी। जैसे लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, 2 4 6 8 9 5 2। देखिए क्या इकाई अंक यही तो है बच्चों, इकाई अंक आपका दो ही तो है, तो क्या दो सम संख्या नहीं है? है तो कहेंगे सर ये दो से पूर्णतया विभक्त होगी। ठीक है, अब बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं तीन से विभक्त के नियम। दूसरा जो हमारा है, तीन से विभक्त के नियम। बच्चों तीन से विभक्त के नियम क्या हैं वो हम लोग जान लेते हैं, और तुरंत जैसे संख्या दी गई है तो उसमें सेकेंडों में आप बता सकते हैं कि यह संख्या तीन से विभक्त हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो जैसे संख्या लिखी हुई है 5 6 8 7 9 इतना लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें इकाई अंक आपको देखना नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें दो के नियम में आप इकाई अंक देख रहे थे, सम संख्या होनी चाहिए तो दो से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। इसमें ऐसा कोई नियम नहीं देखना है। इसमें क्या करना है बच्चों, ये संख्या लिखी हुई है, इसमें अंकों का योग जो आपका आएगा वो तीन से पूर्णतया विभक्त होना चाहिए, तभी दी गई संख्या तीन से पूर्णतया विभक्त होगी। जैसे 5 6 8 7 9 ये लिखा हुआ है, 5 6 11 8 19 19 7 26 26 9 35। ठीक है, 26 9 35 35 आपका आ गया। क्या तीन से विभक्त हो रही है? नहीं हो रही है। कहेंगे सर नहीं हो रही है, इसमें एक और जोड़ दें, जैसे इसमें एक कर दें। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, देखिए 36 हो जाएगा। 36 जब हुआ, क्या तीन से विभक्त हो रही है? कहेंगे कहाँ सर, ये तो हो रही है, 12 3 36। ठीक है, तो दी गई संख्या ये तीन से विभक्त होगी। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई? क्या ये दो से विभक्त होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इकाई अंक देखेंगे। अब इकाई अंक जब देखेंगे तो पहले इकाई अंक में दो लिखा हुआ, यहाँ पर सम संख्या होनी चाहिए अगर दो से विभक्त करना है। ठीक है, तो यह दो से विभक्त नहीं होगी, लेकिन तीन से यह पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं चार से विभक्त के नियम। तीसरा जो आपका है वो चार से विभक्त के नियम। चार से विभक्त के नियम बच्चों, चार से विभक्त के नियम ये है कि चार से विभक्त के नियम क्या हैं वो हम लोग जान लेते हैं। यानी दी गई संख्या ऐसे दिया हुआ है 4 6 8 9 6 5 3 2। देखिए इतनी बड़ी संख्या है, आपको सेकंडों में बताना है कि क्या ये चार से विभक्त हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसको बताने के लिए जो तरीका है बच्चों, वो इकाई और दोहाई दोनों अंक साथ साथ ले लेंगे। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है 3 और 2। ठीक है, क्रम नहीं बदलेंगे बच्चों, क्योंकि क्रम बदल देंगे जिससे हमारा आंसर नहीं आएगा। ठीक है, यानी इकाई ये है 2 और दोहाई आपका 3 है। ठीक है, अब इसको हम लोग 4 से विभक्त कीजिए। जब करेंगे हम लोग 4 से इसको विभक्त तो 4 8 32। ठीक है, ये तो पूर्णतया विभक्त हो गई। ठीक है, तो आप अगर ये पूर्णतया विभक्त हो रही है इकाई दोहाई 4 से, तो दी गई संख्या पूरी 4 से विभक्त हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये आपको बात समझ में आई होगी। अब 5 से विभक्त के नियम देखते हैं। 5 से विभक्त के नियम, 5 से विभक्त के नियम ये देखते हैं हम लोग, 5 से विभक्त के नियम। ठीक है, ये सबसे आसान अगर विभक्ति है तो वो 5 ही है। क्यों? क्योंकि इकाई अंक किसका देखेंगे बच्चों, किसका? इकाई अंक देखेंगे संख्या का। अब जैसे संख्या का इकाई अंक देखे, और इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0 और 5। 0 अगर दिखाई दे दिया, 5 अगर दिखाई दे दिया, तो दी गई संख्या वो 5 से पूर्णतया विभक्त होगी। जैसे देखिए लिखी हुई संख्या है 5 2 7 6 7 8 9 0। क्या ये 5 से विभक्त होगी? कहेंगे कि हाँ ये 5 से विभक्त होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसका इकाई अंक 0 है, और इकाई अंक 2 होना चाहिए, जैसे 0 और 2 होना चाहिए, इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 6 से विभक्त के नियम। यानी 6 से विभक्त के नियम क्या हैं? 6 से विभक्त के नियम बच्चों, 6 से विभक्त के नियम ये क्या हैं, इसको हम लोग
जान लेते हैं। ठीक है, छः से विभक्त के नियम। तो इसका अब देखिए, छः को हम लोग खंडित कर लेते हैं। जैसे किस प्रकार हम इसका खंडन करेंगे, दो गुणे तीन, इसमें खंडित हो गया। अब देखिए, यानी जो दी गई संख्या वो दो से भी कटनी चाहिए और तीन से भी कटनी चाहिए। जैसे हम लोग लिख लेते हैं, दो चार छः पाँच सात छः, ये लिखा हुआ है। आप देखें इकाई अंक छः है, क्या दो से कटेगा कि नहीं कटेगा? आप कहें कि हाँ ये तो सम है, ये तो छः दो से कट जाएगा। ये इकाई अंक अगर सम दिखाई दे दिया तो वो संख्या दो से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। ठीक है, ये दो से हो रही है विभक्त, क्या तीन से विभक्त हो रही है? इसको जोड़ लेते हैं, टू प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस सिक्स, यही है। अब देखिए, दो चार छः और छः बारह, बारह और पाँच सत्रह, सत्रह और सात, सत्रह और सात चौबीस, चौबीस और छः, चौबीस छः तीस, बच्चों चौबीस और छः तीस, यानी तीस तीन से नहीं विभक्त हो रही है पूर्णतया विभक्त हो रही है, यानी ये संख्या तीन से विभक्त हो रही है, यानी दी गई संख्या ये वाली संख्या छः से विभक्त हो जाएगी। देखिए, तीन से विभक्त हो रही है, दो से विभक्त हो रही है, तो ये संख्या छः से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं सात से विभक्त के नियम, किससे? सात से विभक्त के नियम बच्चों। अब सात से विभक्त के नियम क्या हैं बच्चों, वो हम लोग जान लेते हैं। आठ से विभक्त के नियम क्या हैं, वो हम लोग जान लेते हैं। नौ से विभक्त के नियम क्या हैं, वो हम लोग जान लेते हैं। और दस से विभक्त के नियम हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सात से विभक्त के नियम। ध्यान से देखिए, सात से विभक्त के नियम, जैसे कोई संख्या लिखी हुई, जैसे 882 लिखा हुआ, यानी 882 लिखा हुआ। ठीक है, जब 882 लिखा हुआ है तो इसका इकाई अंक लेंगे, इकाई अंक गुणे दो, यानी दुगना कर देना है आपको। ये इकाई अंक है, देखिए क्या इसमें इकाई अंक है, इसमें दो आपका इकाई अंक है, दो गुणे दो चार हो गया इकाई अंक। ये बच्चों बची हुई संख्या लेंगे, बची हुई संख्या कितनी है 88, 88 में से चार को घटा देंगे जो आया है। ठीक है, कितना आ गया 84, 84 क्या सात से डिवाइड हो रही है? देखिए जरा ध्यान से, सात एक नौ सात, सात दूनी चौदह, हाँ ये तो हो रही है। यानी सात के नियम में, सात से विभक्त के नियम क्या है बच्चों, सात से विभक्त के नियम है इकाई अंक लेंगे, उसका दोगुना कर देंगे, और जो बची हुई संख्या है, एक जो दोगुना करने में जो संख्या आई हुई है उसमें बची हुई संख्या को माइनस कर देते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि 882 है, इकाई अंक दो है, ठीक है, इकाई अंक का दोगुना हम लोग कर दिए, चार हो गया। ठीक है, जब चार हो गया तो बची हुई संख्या क्या है बच्चों, बची हुई संख्या 88 ही तो है। जब 88 बची हुई है और इकाई अंक दोगुना करने पर जो आया उसको बची हुई संख्या से घटा देते हैं, बची हुई संख्या से घटा देते हैं, 84 आ गया, सात से डिवाइड करते हैं, तो सात से डिवाइड किए पूर्णतया विभक्त हो गई, तो ये दी गई संख्या सात से विभक्त हो जाएगी। अब यहाँ देखिए, आठ से विभक्त के नियम, आठ से विभक्त के नियम क्या हैं? जैसे कोई संख्या लिखी हुई है, पाँच आठ तीन दो सात छः पाँच चार तीन दो, इतना लिखा हुआ है। अब आठ से विभक्त के नियम बच्चों हैं इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये लेंगे। ठीक है, तीनों को साथ मिलेंगे, कोई अंक परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ले लिए हम लोग। ठीक है, इसको आठ से विभक्त करते हैं, आठ पंचे चालीस और आठ चौ बत्तीस, यानी ये पूर्णतया आठ से डिवाइड हो रही है, तो यानी दी गई संख्या आठ से डिवाइड हो जाएगी बच्चों, आठ से डिवाइड हो जाएगी, बात समझ में आई। अब नौ से डिवाइड के नियम देख लेते हैं कि नौ से विभक्त के नियम क्या हैं। जैसे दी हुई संख्या है दो चार छः पाँच छः सात, इतना दिया हुआ है। फिर हम लोग जैसे तीन का नियम हम लोग पढ़े थे, वैसे हम लोग नौ का भी नियम पढ़ेंगे, यानी अंकों संख्या, दी गई संख्या के अंकों का योग लेंगे और उसको नौ से डिवाइड करेंगे, यदि वो योग नौ से डिवाइड हो रहा है तो दी गई संख्या नौ से डिवाइड हो जाएगी। तुरंत देखिए, दो प्लस चार प्लस छः प्लस पाँच प्लस छः प्लस सात, यही तो है, दो और चार छः और छः बारह, बारह और सात पाँच, बारह और पाँच सत्रह, सत्रह और छः, सत्रह छः तेईस, तेईस और सात, तेईस सौ सात कितना हो जाएगा, तीस, तेईस सौ सात
तीस, ये हुआ। ये क्या 9 से डिवाइड हो रहा है? कहेंगे नहीं, ये 9 तो 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अच्छा 30 है या 36 यहाँ आ जाए ऊपर, ठीक है, या यहाँ पर 27 आ जाए, ठीक है, यहाँ पर 27 तभी तो डिवाइड होगी। ये क्वेश्चन इस प्रकार आपसे पूछेगा। तो यहाँ पर 30 आया था, 27 लाने के लिए यहाँ पर कितना घटाना पड़ेगा? 3 घटा दीजिए, यानी इसमें घटाएंगे तो 4। अगर यहाँ पर हम लोग 4 लिख दें बच्चों, तो ये दी गई संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। बात समझ में आई? अंकों का योग लेंगे, उसको योग को 9 से डिवाइड करेंगे, यदि योग 9 से डिवाइड हो रहा है तो दी गई संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी बच्चों। अब हम लोग बढ़ते हैं किससे, 10 वाला जो नियम है बच्चों, इसमें देखना पड़ेगा आपका इकाई अंक, इकाई अंक जीरो हो, केवल इकाई अंक जीरो हो जाए, जैसे लिखी हुई चाहे जितनी बड़ी संख्या 2, 4, 5, 6, 7, 8, 0। देखिए इकाई अंक जीरो आया है, ठीक है, तो ये आप 5 से भी कटेगी और 10 से भी कटेगी, ठीक है। अब इकाई अंक जहाँ जीरो आ जाए वहाँ 5 और 10 से कट जाएगी, ठीक है। तो 10 से केवल कटने के लिए नियम क्या है कि जीरो अगर आ जाए इकाई अंक में तो 10 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। विभक्त के नियम यानी 11 से विभक्त के नियम क्या हैं, यानी दी गई संख्या, कोई संख्या दी गई है जैसे 2, 4, 6, 8, 9, ठीक है, 9, 6 ये दिया गया है और आपसे पूछा है कि क्या यह 11 से विभक्त होगी, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम करेंगे विषम का, विषम अंक का योग, का योग और सम अंक का योग, सम अंक का योग, ठीक है, विषम अंक का योग और सम अंक का योग, ठीक है बच्चों, विषम अंक का योग और सम अंक का योग। तो देख ये किस पे लिखी हुई है, विषम पे, किसम पे, विषम पे लिखी हुई है, 2, 3, 4, 5, 6, यानी ऊपर वाला इसलिए लिख दिए हैं कि आप कंफ्यूज ना हो कौन संख्या सम पे लिखी, कौन अंक सम पे लिखा हुआ, कौन विषम पे लिखा हुआ। यहाँ देखिए ये विषम पे लिखा हुआ, ये विषम पे लिखा हुआ, ये विषम पे लिखा हुआ, इन तीनों का योग ले लेंगे हम लोग, 4 + 8 + 6, ठीक है, और सम वाला योग ले लेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ, क्या है सम अंक का योग, 2, 6, 2, 6 और 9, ठीक है, ये है। इसका योग कितना आएगा, 4 और 8 12, 12 और 6 12, 6 18, ठीक है, ये वाला 4, 2 और 6 8, 8 और 9 17, 8, 9, 17 बच्चों, इसका अंतर तो 1 आया, तो याद दी गई संख्या 11 से विभक्त होगी। यहाँ पर अगर 7 हो जाए बच्चों, यहाँ पर अगर 7 हो जाए तो क्या संख्या पूर्णतया कट जाएगी, कहेंगे कि 4 और 8, 8, 4, 12, 12 और 6, 12 और 6, 18, ये हो गया, 2 और 7, 9, 9, 9, 18, ये भी 18 हो गया बच्चों, इसका अंतर क्या आया, 0 आ गया। 0 अगर आ गया तो इधर ध्यान से देखिए, अंतर जो आपका आना चाहिए वो क्या क्या होना चाहिए, 0 हो जाए, 11 हो जाए और या 22 हो जाए, तो दी गई संख्या किससे, 11 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। तो जरा ध्यान से देखिए इस चीज़ को, 0 आया है तो कहेंगे कि हाँ दोनों विषम का भी अंक का योग लिए हैं और सम अंक का भी योग लिए हैं, तो जाके आया है 0 और अंतर 0 या 11 या 22 या ऐसे 33 होना चाहिए, तभी दी गई संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। अब बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं, कर लेते हैं शून्य के गुण, बच्चों शून्य के गुण हम लोग देख लेते हैं। जैसे शून्य के गुण तो बहुत हैं बच्चों, हम लोग देख लेते हैं शून्य के गुण क्या क्या हैं। तो सबसे पहले शून्य के गुण हम लोग देखते हैं, शून्य के गुण, ठीक है, शून्य के गुण देखिए, जैसे जोड़ में घटाव में, ठीक है, जोड़ घटाव में बच्चों शून्य को अगर किसी संख्या में जोड़ा जाए तब भी कोई संख्या में नहीं फर्क पड़ता है, और शून्य किसी संख्या में से घटाया जाए तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे देख लेते हैं 5 + 0 कोई प्रभाव पड़ा, 5 कोई प्रभाव नहीं पड़ा, 5 - 0 कोई प्रभाव पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी हम लोग कह सकते हैं कि जोड़ और घटाव में इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। लेकिन आप ये बताइए कि गुणा में
गुणा में इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे देखिए, 5 × 0 संख्या क्या आ गई, 0। यानी कोई बड़ी से बड़ी संख्या लिखी है और यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बड़ी से बड़ी संख्या लिखी है उसमें बीच में 0 दे दिया, तो क्या वह संख्या का मान बताइए। तो आप अगर 0 देखिए, जैसे लिखा हुआ 5 × 4 × 3 × 0 × 2 × 1, इसका मान 0 होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि देखिए बीच में 0 से गुणा हो रहा है संख्या में कि नहीं। इसका सबका हम लोग गुणा कर लें, गुणनफल आ जाए, फिर 0 से हम लोग गुणा करें, संख्या 0 आ जाएगी। बात समझ में आई यहाँ तक? अब बात करते हैं भाग। ठीक है, भाग में क्या प्रभाव पड़ता है शून्य का। जैसे लिखा हुआ है 8 / 0। ठीक है, यानी 0 से हम लोग 8 को भाग दे रहे हैं। क्या ये अर्थविहीन हो जाएगा बच्चों? अर्थविहीन होगा। ठीक है, अर्थविहीन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 8 से 0 को भाग दीजिए, अर्थविहीन। जैसे लिखा हुआ है, कोई ऐसी संख्या ढूंढ कर लाइए आप, कोई ऐसी संख्या ढूंढ कर लाइए आप जिसमें 0 को गुणा किया जाए तो वो 8 के बराबर आ जाए। ऐसा कोई है? इस चेक कर लीजिए, क्या होगा कि वो कोई संख्या आपको मिलेगी नहीं कि जिसमें 0 को गुणा किया जाए और 8 आ जाए। इस प्रकार जो है ये अर्थविहीन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।